सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिकों को बचाया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्रमिकों को बचाने के अभियान को बताया मानवता का अद्भुत उदाहरण। श्रमिकों के साहस और धैर्य की प्रशंसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मेले के जरिए वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़कर प्रधानमंत्री नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। कानूनी सहायता तक पहुंच पर पहले क्षेत्रीय सम्मेलन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया संबोधित। कहा, जरूरतमंदों तक कानूनी सहायता पहुंचाना आधुनिक राज्य की आधारशिला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने RSIP के छात्रों से किया संवाद। युवाओं को बताया लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार। उपराष्ट्रपति आज स्पेशल फाउंडेशन कोर्स के प्रतिभागियों से करेंगे मुलाकात। चौवनवां अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव गोवा में हुआ संपन्न। गोवा के मुख्यमंत्री सहित अनेक फिल्मी हस्तियां और अन्य विशिष्ट व्यक्ति फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में रहे उपस्थित। रॉबर्ट कोलोरदी द्वारा निर्देशित अमरीकी फिल्म फेदरवेट रही इफ्फी की समापन फिल्म। सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता माइकल डगलस ने सिनेमा को बताया लोगों को सशक्त और एकजुट बनाने वाला माध्यम।